अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, वेलकम बैक टू लाइफ विद सना। तो आज है संडे का दिन और आज मैं करने वाली हूँ अपना ब्लॉग स्टार्ट। और आप लोग लग रहा होगा इस वक्त मैं कहाँ हूँ, ये आप लोगों ने गैस करना है, आप लोगों ने बताना है कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ और ये गैस करना आप लोगों ने, मैंने कोई नहीं गैस करना। तो गाइज जैसे कि इस वक्त ना मैं आई हुई हूँ, खरीदना वरीदा है नहीं, बस कुछ खाऊँगी पीऊँगी, दोस्तों के साथ आई हूँ, उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया हुआ, ज़रा सी भी वीडियो बनाने का भी अलाउ नहीं किया हुआ, तो इसलिए मैं बना नहीं रही हूँ। लेकिन जो जो है यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी। होप सो, ब्लॉग करते हैं यहाँ से स्टार्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। गाइस आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम मिडिल क्लास लोग जो मार्केट से शॉपिंग करते हैं उनके प्राइस और मॉल में मौजूद चीज़ों के प्राइस और क्वालिटी, इन चीज़ों में क्या फ़र्क है। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो जी गाइस ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी अरसे से कराची में रह रही हूँ, यानी मेरा बचपन भी पूरा कराची में ही गुजरा है, तो कभी जो है मॉल की जानिब मेरा रुख नहीं हुआ, या कभी सिस्टर्स ने या कभी दोस्त वगैरह जैसे आजकल के दौर में लोग चले जाते हैं। तो जब हम छोटे थे तब भी हम छोटी सी मार्केट में जाते थे अब्बू और अम्मी के साथ शॉपिंग करने के लिए ईद के दिन और चांद रात के दिन। तो अब जो है जाहिर सी बात है अब स्टडी कर ली, अब जॉब कर रही हूँ तो अब इंडिपेंडेंट हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना कि वही कराची के बहुत सारे ऐसे मशहूर प्लाजा हैं, मॉल्स हैं, इनको घुमा जाए। नंबर वन पे ये कि अगर एनवायरनमेंट की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था। अब जब मैं अंदर इंटर हुई ना तो मेरा मुंह ऐसे खुला, ये है डॉलमेन मॉल, वाओ कितना प्यारा है। तो मैं उस वक्त इस तरह आया मेरी जो है ना एक्सप्रेशन थे, तो जैसे इंसान फर्स्ट टाइम गया हो और जिस जो इंसान फर्स्ट टाइम जाता है ना उसके एक्सप्रेशन ऐसे ही होते हैं लाइक मेरी तरह। तो लेकिन जहाँ पे कपड़ों की बात की जाए, स्टफ़ की बात की जाए, तो यकीन करें मैं कह रही थी नहीं नहीं जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ ना वही अच्छा है। तुसी बस इस इन्हां दी प्राइस देखो 6,990 रुपए, तो है कि इसमें कि है हाथ भी साफ नज़र आ रहा है। ये जुतियाँ 50% ऑफ, पता नहीं 5,000 दी मैं कितनी शॉपिंग कर लवा। हम तो सिर्फ यहाँ पर ना प्राइस ही देख सकते हैं। कुछ जगहों पर मुझे जो है ना पसंद आए थे, लाइक ये वाला कलर और ये जो स्टफ़ था ये मुझे बहुत पसंद आया था और इसकी प्राइस भी नॉर्मल ही थे। तो मेरा मकसद वहाँ पर जाना शॉपिंग करना नहीं था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी और मैं चीज़ें चेक वगैरह कर रही थी कि क्योंकि अब मैं जॉब करने लग गई हूँ तो इंशाल्लाह मैं शॉपिंग मॉल से ज़रूर करूँगी। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बोलना है इंशाल्लाह हम ज़रूर मॉल से शॉपिंग करेंगे, लेकिन मुझे ख़ास तौर पर इस मॉल की चीज़ें इतनी पसंद नहीं आई थी और जो फीमेल्स के जो फैब्रिक था ना वो मुझे पसंद नहीं आया था इतना ख़ास, यानी कि लॉन के कॉटन के जो कैजुअल आपकी ड्रेसिंग होती है वो मुझे यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और सर्दी के लिहाज से जेंट्स के लिए पैंटें स्वेटर्स और जो बाकी थी कैटलॉग वो अच्छे थे। इसके बाद ना मैं यहाँ रंगजा जो है एक ब्रांड है जिस पर मैंने देखे कलरफुल ड्रेस थे, बहुत ही प्यारे थे और इनकी प्राइस 10,000 की, जो ये शर्ट है ना ये 10,000 की एक शर्ट थी, मैं देख के हैरान, अल्लाह इतनी एक्सपेंसिव, अल्लाह क्या होगा इसमें, तो मैं 2-3 सूट ले लूँ लॉन के। तो लेकिन ये था कि एक ब्रांड है तो जाहिर सी बात है आपको पता है ब्रांड तो फिर ब्रांड ही होता है। तो लेकिन ये कलर देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, मैंने इतना क्लिप लिए कि अगर हम कुछ मैचिंग करना चाहें या कुछ बनाना चाहें तो हम यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं। मुझे ये बहुत पसंद आई थी जैकेट टाइप, पता नहीं क्या कहते हैं, वास्किट कहते हैं कुर्ती के ऊपर जो पहनी जाती है, आई डोंट नो, लेकिन ये बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर जो रंगजा की जो ब्रांड था ना यकीन करें बहुत प्यारा था, इसका जो कलर्स हैं आपको खुद भी नज़र आ रहे होंगे, ये कलर्स भी प्यारे थे, इनकी स्टिचिंग भी प्यारी थी और जो स्टफ़ है ये वाकई ओरिजिनल स्टफ था। लेकिन इसकी प्राइस भी ना इसकी तरह अच्छी थी, एक शर्ट ना 7,000-8,000 इस तरह की थी, लेकिन आप खुद देख सकते हैं ये रंगजा पर आप ज़रूर आइएगा, ये मुझे शॉप बहुत पसंद आई थी। तो इनको करते हैं टाटा बाय बाय क्योंकि हम ये ले नहीं सकते बस।
हवा निकल गई। आपके बच्चे यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं लाइक अंदर भी जा सकते हैं नो इशू। कभी यहाँ पर आए नहीं हैं यानी लाइक मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरा भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम अराउंड लगा है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो अपनी भतीजियों को लेकर आऊँगी और भांजियों को लेकर आऊँगी ताकि वो लोग भी यहाँ पर एंजॉय कर सकें। मेरे पीछे देख सकते हैं वहाँ, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि उनके साथ जाकर कुछ खा पी लूँ और इसके बाद दैन देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। मैंने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं, ये खाने पीने की चीज़ें हैं सारी, यानी कि जो फोर्थ फ्लोर है वो सिर्फ खाने पीने का है, आप चाहें तो खा पी सकते हैं। तो अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर मैं खुद ही कर लूँगी। सो गाइस, अब ये लास्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है हमारा डॉलमेन मॉल, और ये डॉलमेन मॉल है तारिक रोड का डॉलमेन मॉल, और मैं जो है अब यहाँ से जाने लगी हूँ वापस घर। तो मैंने कहा कि लास्ट व्यू आपको दिखा दूँ, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, जो चाहते हैं ना कि हमें जाना है तो वो अपनी आँखों की ठंडक के लिए जा सकते हैं, यानी खूबसूरत चीज़ों को देखना चाहिए, लेकिन ये है कि शॉपिंग नहीं कर सकते, टू मच एक्सपेंसिव, और वही चीज़ें हैं जो हमारी आम मार्केट में होती हैं हम लेते हैं। तो यहाँ पर मॉल में डेकोरेशन वगैरह ज़्यादा होती है, अच्छी जगह होती है, तो इस वजह से जो लोग जो है ना एक्सपेंसिव कर देते हैं। कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, जैसे ब्लॉग करती हूँ यहाँ पर मैं, एंड आई होप सो कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो करना लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और वीडियो करती हूँ यहाँ पर एंड। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, तो टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।